बुलंदशहर से बड़ी खबर, जहां धर्म परिवर्तन के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। एससी एसटी कोर्ट ने आरोपी अनीस पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है। 15 मार्च 2022 को आरोपी पर केस दर्ज हुआ था और इस पूरे प्रकरण को लेकर के पूरे मामले को लेकर अब सजा का ऐलान किया गया है। गुलावटी कोतवाली में युवती की ओर से दर्ज हुआ था केस। अनीस ने खुद को आकाश बताकर प्रेम विवाह किया था और अनीस ने युवती का धर्म परिवर्तन भी करवाया था। धर्म परिवर्तन के इर्द-गिर्द घूमता ये पूरा मामला। धर्म परिवर्तन करवाकर आयशा नाम रखा गया था और इसके बाद देखिए अब किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर सजा का ऐलान हुआ है। अनीस ने युवती का धर्म परिवर्तन करवाया, नाम आयशा रखवाया। क्या मांग करते हो आप? मैं मांग न्याय मुझे न्याय मिले मुझे। आगे अपील करोगे? हाँ जी, आगे अपील करूंगा, जरूर करूंगा। और इस खबर पर जानकारी के लिए संवाददाता अनुज हमारे साथ जुड़ गए। अनुज, धर्म परिवर्तन के इर्द-गिर्द घूमता हुआ ये पूरा मामला, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और क्या कुछ सजा के ऐलान के दौरान कहा गया? क्योंकि देखिए जिस तरीके से पूरा मामला है, धर्म परिवर्तन के साथ साथ नाम भी बदला गया। बिल्कुल, ये मामला जो है बुलंदशहर के एसएससी कोर्ट का है, जहां पर आरोपी अनीस को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 5 लाख रुपए के दंड से भी इनको दंडित किया गया है। ये मामला गुलावटी में 15 मार्च 2022 का है, जहां पर यूपी की ओर से एक मुकदमा दर्ज कराया गया था, जहां पर आरोपी अनीस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें हिंदू युवती का जो धर्म परिवर्तन कराने का आरोप था मुस्लिम समाज के व्यक्ति को, जिसको आज एससी कोर्ट ने धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में उम्र कैद की सजा सुनाई और 5 लाख रुपए के दंड से भी दंडित किया है। अनीस ने खुद का नाम आकाश बताकर उस युवती को बहलाया कुचलाया था, उसके बाद उसके धर्म परिवर्तन कराने की उसकी कोशिश की थी। जब युवती को इस सारे मामले का संज्ञान हुआ तो उसने कोतवाली गुलावटी में जाकर मुकदमा दर्ज कराया और आज उसमें एसएससी कोर्ट ने जो आरोपी अनीस है उसको 5 लाख रुपए से जो दंडित किया है, उसके अलावा उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी ठीक है अनुज, यानी कि उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अब देखना होगा कि आखिर किस तरीके से इससे ये मिसाल बनकर सामने आती है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यूपी को बड़ी सौगात दी है।